कांग्रेस की रविवार को नागपुर में हुई समीक्षा बैठक में शहर अध्यक्ष विकास ठाकरे व प्रवक्ता अतुल लोंढे द्वारा प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को मुख्यमंत्री बनाने के संदर्भ में दिए गए वक्तव्य के बाद महाविकास आघाड़ी के घटक दलों में हलचल मच गई है। चुनाव हुए नहीं है और महाविकास आघाड़ी में जीत का दावा करते हुए सीएम पद पर भी बयानबाजी शुरू हो गई है। इस पर पटोले ने कहा कि यह कार्यकर्ताओं की भावना है। प्रत्येक पार्टी के कार्यकर्ता को लगता है कि उनका नेता मुख्यमंत्री बने, इसमें गलत नहीं है। चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी के नेता बैठकर इस पर निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सरकार की प्रतिमा धूमिल करने का काम किया है, अब जनता को पश्चाताप हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर मगर पर विश्वास नहीं करता, कर्म पर विश्वास करता हूँ। मेरे लिए राज्य के किसानों व युवाओं गरीबों की समस्याएं महत्वपूर्ण है, उन्हें न्याय देना महत्वपूर्ण है। लोकतंत्र में जनता सरकार बनाती है, अब विकास का मॉडल चरमरा गया है। राष्ट्रपति ने भी उस पर टिप्पणी कर दी है, यह नकली और भ्रष्टाचारी विकास है, इन्हें सत्ता से बाहर करना ही हमारा लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि महायुति में महाभारत शुरू है और जो कुछ दिनों में सामने आएगा। नागपुर की सभी 6 सीटें कांग्रेस ने मांगी है।